शुक्रवार को नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में जिले के 19 ब्लॉकों से आई ऑल इंडिया आशा बहु कार्यकर्ती कल्याण सेवा समिति की सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ती इकट्ठा हुई और अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया आशा बहु कार्यकर्ती कल्याण सेवा समिति की चंदा यादव की अध्यक्षता में सभी 19 ब्लॉकों से आशा कार्यकर्ती इकट्ठा हुई। इस दौरान समिति की सदस्यों का आक्रोश देखते हुए कोई अप्रिय घटना ना हो इसके लिए प्रशासन भी मुस्तैद रहा। 5 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 25 मई से आशा बहुएं CSC और PSC पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदा यादव ने कहा, हमारी समस्त आशा बहुएं जो है अपनी वेतन की मांग को लेके आज 25 मई से जो है हमारा लगातार धरना चल रहा है और हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर चल रहा था। अब आज हम लोग जिले का ऐलान किए हैं कि हम लोग काफ़ी संख्या में जो है अनिश्चितकाल धरने पर आज से हम लोग जिले पर बैठेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा ये कहना है कि आप लोग स्वास्थ्य विभाग यही कहता है कि ये आशा सामाजिक स्वास्थ्य करता है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि अगर हमारी आशा बहुएं सामाजिक स्वास्थ्य करता है तो इनको सरकारी शिवजी मोबाइल क्यों दिया गया, इनको यूनिफॉर्म क्यों दिया गया, इनको वेतन मानदेय अगर नहीं देना था तो इनको क्यों ड्रेस लगाया गया। अगर ये ऐसा किया गया है तो हमको वेतन देना जरूरी है। अगर वो वेतन हम लोगों की मांग को नहीं सुनते हैं तो हमारा ये अनिश्चितकाल धरना जो है चलता रहेगा और आगे भी होगा और सड़क पर भी उतरेंगे। हम लोग सारी आशा बहुएं गोरखपुर जनपद में भिक्षा भी मांगेंगे और सड़क जाम भी करेंगे, हमारा धरना चलता रहेगा। कितने ब्लॉक से आई है महिलाएं? ये हमारा गोरखपुर जनपद है, यहाँ 19 ब्लॉक है और काफी तो हमारे हर जिले में हमारी आशा बहन इसी तरह आंदोलन कर रही है अपनी मांग को लेके और हम कोई कार्य नहीं करेंगे 25 मई से। हमारा सारा कार्य जो है बहिष्कार हो रहा है इस समस्या को लेके, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हम आशा बहनों के साथ जो है ये सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। यही साथ ही में बोले थे कि आंगनबाड़ी बहनों को जो है हम और आशा बहनों को जल्द ही जो है वेतन लागू करेंगे और आंगनबाड़ी बहनों का मीटिंग करके जो है 8,000 रुपया इन्होंने बढ़ोतरी कर दिया है। अभी वो घोषणा नहीं किया है लेकिन उनको कह दिया है कि 8,000 रुपया देंगे और हमारी आशा बहुएं पीछे पीछे घूमती रह गई, हमारी बात को नहीं सुनी गई, इसलिए जो है हम सड़क पर उतरेंगे।